वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 5.1। इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स और एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे किसी भी नंबर को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, राइट? सो रेशनल नंबर को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारी एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करने से पहले हम जान लें कुछ बातें इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, जो यहाँ पर फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए लिखा हुआ है अप टू एन टाइम्स, ये 10 बार भी हो सकता है, 50 बार भी हो सकता है, 100 टाइम्स भी हो सकता है। सपोज ये एन टाइम्स लिखा हुआ है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम ए की पावर एन, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए डॉट 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 अप टू एन टाइम्स लिखा हुआ है, एन बार ही लिखा हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे ए की पावर एन। तो ए क्या होगा, यहाँ पर बेस होगा, ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बेस। और जो पावर हमने लगाई है एन, एन क्या होता है, एक्सपोनेंट, इसे हम एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। सो हमारे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, जो एक्सपोनेंट के जो नियम हैं, लॉज हैं, वो क्या क्या हैं, आज हम स्टडी करते हैं इस बारे में, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड करेगी इन सभी नियम पर, जो लॉज हैं। ओके, सो एक्स की पावर अगर एम है इनटू में एक्स की पावर एन है, तो हम इसे एक साथ लिख सकते हैं एक्स की पावर एम प्लस एन, क्योंकि हमारे अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में बेस आपस में अगर सेम होते हैं तो उसकी जो पावर होती है एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी कि प्लस हम कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्स की पावर एम प्लस एन, बी में एक्स की पावर एम डिवाइड बाई एक्स की पावर एन, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एम को डिवाइड किया एक्स की पावर एन से, तो बेस हमारा एक बार लिखा जाएगा, दोनों का बेस सेम है, अगर यहाँ भी एक्स है इधर भी बेस एक्स है, तो एक्स एक बार लिखेंगे, और जो पावर है ऊपर वाली से नीचे वाली पावर को, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस पावर को माइनस कर देंगे, राइट? ऊपर वाले की पावर से नीचे वाले की पावर को, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर को माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ब्रैकेट में एम माइनस एन, अपॉन वाली पावर माइनस में आ जाएगी, एक्स की पावर एम ब्रैकेट में होल पावर एन, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स की पावर एम इंटू एन, एक साथ लिखी जा सकती है ये। इफ डी में है एक्स की पावर माइनस का एन, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इक्वल टू वन अपॉन एक्स की पावर, अपॉन में जाकर के पावर माइनस की क्या हो जाएगी, प्लस की, तो वन अपॉन एक्स की पावर एन। ई में है एक्स की पावर जीरो, तो अगर हमारे किसी भी नंबर की पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा वन होती है, चाहे वन की पावर जीरो, टू की पावर जीरो, टेन की पावर जीरो, राइट? किसी की भी पावर अगर जीरो है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू वन। सो एफ में क्या दिया गया है, एक्स की पावर माइनस वन, इसे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ओके, सो नेक्स्ट जी, एक्स अपॉन वाई की होल पावर कितनी है, एम, तो हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू में एक्स की पावर एम अपॉन में वाई की पावर एम। तो हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारे नियम हैं, लॉज हैं ऑफ एक्सपोनेंट्स। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमें लिखना है, पार्ट ए देख लेते हैं, बाकी सेम सभी पार्ट इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। ए में दिया गया 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब देखिए 1/2 को मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 3 टाइम्स है, तो एक बार लिख देंगे 1/2 और होल पावर कर देंगे 3, आंसर। तो ये हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसके एक एक्सपोनेंट हमने लिख दिया ऊपर, तो ये जो फॉर्म है हमारी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, 1/2 की होल पावर 3, आंसर। बाकी जो पार्ट्स हैं बी सी डी ई आपको करने हैं योर सेल्फ, बिल्कुल इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इसे भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमें लिखना है। देख लेते हैं पार्ट ए को, बाकी सभी पार्ट्स सेम इसी तरह से होंगे। 32/243,
तो सॉल्यूशन हमने किया, इस नंबर को लिखा ऐसे 32/4, 243। 32 का हम निकालते हैं फैक्टर क्या होगा, 2 से इसका फैक्टर कर लिया, राइट फैक्टर निकालते हैं तो 2 से किया, 2 6 2 1 2 बचा 1, 12 हो गया, 2 6 12, फिर से 2 8 16, देन 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, तो कितने फैक्टर हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 5 टाइम्स है 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 243 के भी फैक्टर कर लेते हैं, तो 3 से कट होगा, 3 8 24 और 3 1 3, नाउ 3 2 6 और 3 7 21, सो 3 9 27 एंड 3 3 9, 3 1 3, तो 1 2 3 4 5, 3 भी कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अप टू 5 टाइम्स। ओके, तो ये 2 की पावर ऊपर कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, सभी को एक साथ लिख देंगे हम, क्योंकि सभी की पावर कितनी है, 1 1 है, और मैंने बताया मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो बेस तो एक बार लिख दिया, ऊपर सभी का 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 हो गया, 2 की पावर 5, ऐसी हमारे नीचे भी 3 की पावर 5, तो ऊपर भी 2 की पावर 5 है, नीचे 3 की पावर 5 है, तो पावर सेम है, इसे हम लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 5 आंसर। बाकी पार्ट्स इसी की तरह से आपको करने हैं योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर। अब हमें क्या करना है, इसे रेशनल नंबर में हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला हम पार्ट देख लेते हैं, 3/4 का होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2। सोल्यूशन हमने किया 3/4 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 की होल पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो 3/4 की पावर 2 है, तो 2 टाइम्स लिखा, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर कितनी है, 3 है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 टाइम्स लिखा और मल्टीप्लाई 1/2। अब जो ऊपर नीचे कट हो सकते हैं उन्हें कट कर देंगे, देखो ऊपर 3 है, यहाँ पर इधर भी 3 है, तो नीचे वाले 2 3 कट हो जाएंगे, इधर 2 है ऊपर, इधर 2 कट हो गया, तो जो बचा हम लिख देंगे 2 2 4 और 4 1 4, ऊपर आ गया 4 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 3, नीचे कर देंगे, ऊपर 4 से नीचे वाला 4 कट हो गया, तो ये हो गया 1/4 3 12, 1/12 इज़ द आंसर। बाकी पार्ट सेम इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। तो पार्ट ए हम देख लेते हैं, 3 की पावर -1 + 4 की पावर -1 का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर -1 + 4 की पावर -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम पावर माइनस में है तो अपॉन में लिख देंगे, पावर इसकी हो जाएगी प्लस की, तो 1/3 + 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम दिया, 3 और 4 का 12 हो गया, तो 3 4 12, 4 1 4 4 आ गया, प्लस का साइन बीच में, तो प्लस लिखेंगे, 4 3 12, 3 टाइम्स कट हो गया, 3 1 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 3 7/12 का होल स्क्वायर, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7/12 मल्टीप्लाई 7/12 होल स्क्वायर इसका ओपन किया, राइट, तो इक्वल टू हो गया 7 7 49/12 12 144 इज द आंसर। पार्ट डी देख लेते हैं, 3/5 की होल पावर -1 डिवाइड बाई -2/3 की होल पावर -1। तो 3/5 की होल पावर -1 इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का साइन है, होल पावर में माइनस वन है, तो क्या करेंगे इसकी 1/2 में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 5/3 पावर प्लस होगी, डिवाइड बाई 3/2, 3/-2 इसकी पावर क्या होगी, प्लस की होगी, इक्वल टू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो ये दूसरा जो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 5/3 और मल्टीप्लाई का साइन डिवाइड की जगह लगा दिया, तो ये हो गया उल्टा, 3/2 -2 का हो गया -2/3, राइट, तो 5 2 10, -10/3 3 9, -10/9 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो हमें नंबर्स हैं, पार्ट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, इनका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, ए में 4 की पावर 0, मैंने बताया था कि अगर x की पावर 0 है तो 1 हो जाता है, यानी कि कोई भी नंबर अगर पावर में 0 है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन में 4 की पावर 0 = 1 इज द आंसर। पार्ट बी बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है। सी पार्ट में देख लेते हैं, 1/3 की होल पावर 8 - 8, राइट, तो 1/3 की होल पावर 8 - 8, तो पावर क्या बच गई, 1/3 की 8 में से 8 गया 0 बचा, तो 0 किसी की भी पावर होल पावर होगी
पावर होगी तो वो हो जाएगा 1 = 1 आंसर। ई पार्ट जो है इसका 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर -8, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, 3 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर -8। अब मैंने बताया था अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 प्लस ब्रैकेट में -8, हमने ऐड कर दिया तो 3 की पावर 8 और ये प्लस माइनस -8, तो -8 से +8 कैंसिल, 0 बच गया, 3 की पावर 0। और पावर अगर 0 है किसी भी नंबर की तो इसका मतलब क्या है, 1। प्यारे बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करें इन सभी क्वेश्चंस की, जो पार्ट्स आपको बताए गए हैं आपके लिए होमवर्क में छोड़े गए हैं उन सभी की प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को बार बार देखें जब तक आपके क्लियर ना हो जाए। जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।